एक बार एक स्त्री का छोटा इकलौता बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया। उससे वह पागल हो गई। वह उसकी लाश को लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंची। वह चीखती हुई बोली, मुझ अबला नारी ने किसी का क्या बिगाड़ा है कि उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, उसका इकलौता बेटा मृत्यु को प्राप्त हुआ। मृत्यु के बाद वे कैसे अपना जीवन गुजारेगी? फिर वह बोली, आप सिद्ध पुरुष हैं, उसको न्याय दिलाएं और उसके पुत्र को जीवित करें। महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री से कहा, यदि वह स्त्री उन्हें एक तोला सरसों के दाने लाकर दे देती है तो वह उसके पुत्र को जीवित कर देंगे। स्त्री बहुत खुश हुई और बोली, ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मगर महात्मा बुद्ध ने एक शर्त रखी कि सरसों के दाने उस घर से लाना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई। इस पर स्त्री उत्साहित होकर बोली, हाँ हाँ अभी लेकर आती हूँ, और बड़ी उम्मीद में अपने पुत्र को जीवित देखने की कामना के साथ वह नगर के घरों की ओर दौड़ पड़ी। वह लोगों के घर पर गई और पूछा तो लोगों ने बड़ी खुशी खुशी से एक तोला कारी सरसों देने के लिए तैयार हो गए, मगर किसी के घर में अभी अभी उनकी माता की मृत्यु हुई है, किसी के घर में पिता की, किसी के घर में भाई की मौत हुई है, तो किसी के घर में नौकर की। नगर का चक्कर लगाते लगाते वह थक कर चूर हो गई। उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। वह लौट कर पुनः महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। बुद्ध ने उसे संदेश दिया, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, जो जन्म लेता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु होनी ही है।